जो आपका सेकंड बैच है इसमें कितने स्टूडेंट हैं इस बार, और फर्स्ट बैच में कितने बच्चे थे, और किस तरीके से जो है ये बैच तैयारी कर रहा है अपने आगे के लिए, क्या तैयारियां कर रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया ये सवाल पूछने के लिए और इस प्रोग्राम के लिए भी। ये पहले मैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जो चल रहा है दो लाइनें उसके बारे में बोलूँगी कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जामिया हमदर्द और बीईबी कोलैबोरेशन में कर रहा है, और इस प्रोग्राम की जो शुरुआत की थी वो हमारे चांसलर मिस्टर हामिद अहमद ने शुरू किया था, उनका आइडिया था जिसको कैरी फॉरवर्ड किया मैंने, और मिस्टर शौकत मुफ्ती हैं जो एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं बीईबी के, और हमारा साथ दिया इसमें जामिया हमदर्द की अथॉरिटीज़ ने जिसमें वाइस चांसलर रजिस्ट्रार वो सब लोग शामिल हैं, और उनका पूरा सपोर्ट रहा। सो जो हमने पहला बैच ट्रेन किया उसमें हमारे पास 46 बच्चे आए थे, 46 बच्चों में से 34 जो थे वो लड़के थे और एक लड़की थी। उस बैच में हमारा जो जो इस मुस्लिम बच्चा एक ही ज्वाइन किया था उस बैच में, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो दूसरा बैच आया उसमें 52 बच्चों में से जिसमें बॉयज़ 41 हैं और 11 गर्ल्स हैं, उसमें से 6 मुस्लिम बॉयज़ आए हैं और एक कैंडिडेट लड़की भी है जो मुस्लिम है, और उनको देख के मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे ये हमारा नंबर इसमें बढ़ रहा है, और ये एक तरह का प्रेरणा है बाकी बच्चों के लिए भी कि वो इसमें आगे आएं और अपना माशे ज़रिया इसको बनाएं, और उससे जो एक सेटिस्फेक्शन भी मिलता है ना अपनी रोज़ी रोटी के अलावा जो मैंने बोला इसमें सेटिस्फेक्शन भी बहुत है। ये मैं आपके ज़रिए सभी बच्चों को बताना चाहती हूँ कि जब आप किसी बीमार की तामीर की सेवा करते हैं तो उसमें जो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है ना वो बड़े बड़े काम में कभी कभी नहीं मिलता है। तो जब जैसे इसमें उनको पूरी जानकारी दी जाती है कोविड क्या है कैसे होता है और इसमें क्या क्या ध्यान रखने की बातें हैं और अगर हो गया है तो केयर कैसे करनी है, तो जब आप ये सब करते हैं तो एक तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो बढ़ जाता है ना, आप ज़िंदगी में कुछ ऐसा जान रहे हैं जिसकी इस वक्त में बहुत ही आवश्यकता है, बहुत ज़रूरत है, और चाहे वो अमीर हो गरीब हो किसी को भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आप खाली ये सब जान के अस्पताल में ही काम नहीं कर सकते हैं, आप होम बेस्ड केयर में इन्वॉल्व हो सकते हैं जहाँ पे आपको थोड़ा रेम्यूनरेशन जो कमाई है वो भी बेहतर होगी, और आप एक अच्छा स्टेटस भी वहाँ पे लोग आपको बहुत इज्जत करते हैं जब आप घर में किसी को मदद करते हैं कि किस तरह आपने उनको इस मुसीबत से निकाला, उसमें उनकी मदद करी, और उनको एक जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है ना वो भी इसमें हम स्पेशल ध्यान दे रहे हैं इस पर। उसके लिए बीईबी से ही एक मैडम आती हैं जो उनको सॉफ्ट स्किल्स काउंसलिंग ये सब सिखाती हैं, मतलब स्पेसिफिक वो एक्सपर्ट हैं, उनका नाम है इकरा मैडम, वो आती हैं वहाँ से, तो वो स्पेशली वो इसी काम के लिए बुलाए जाते हैं कि वो उनको इसमें बिल्कुल माहिर करके भेजे हैं यहाँ से कि वो जो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे सकें सोसाइटी को। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमने जो रिक्वायरमेंट रखी थी ना इसकी 10th पास ही रखी थी सिर्फ, ये सोच के कि वही बच्चे हैं जो अगर उनको एक दिशा मिल जाए और एक डायरेक्शन मिल जाए जिससे वो घर में कमाने वाले बन सकें और अपना गलत रास्ते पे जाने की जगह एक सही रास्ता चुनें, पर इसमें देखा गया कि इवन ग्रेजुएट बच्चों ने बहुत ने अप्लाई किया और हमने 10th ऑनवर्ड्स लिखा था, तो हम उनको मना नहीं कर सकते थे, बट मैं ये बताना चाहती हूँ कि कितने बच्चे जो 12th या ग्रेजुएशन करके भी हमारे पास हैं, तो इससे पता चलता है कि इस ट्रेनिंग की कितनी ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं। और इस बात से भी मैं बता सकती हूँ आपको कि अभी सेकेंड बैच चल रहा है पर 3rd बैच 4th बैच 5th बैच सब पाइपलाइन में हैं, और हमको इतने लोग अप्रोच कर रहे हैं जो हमारे मुफ्ती साहब हैं उनको बहुत लोग फ़ोन करते हैं। ये पहले दो बैचेस तो हम पुलिस के साथ कर रहे हैं दिल्ली पुलिस के साथ,
और इसमें मैं एक बहुत बड़ा जो योगदान है दिल्ली पुलिस का उसको सराहना चाहूँगी कि उन्होंने ये युवा स्कीम के अंडर ये सोचा ये प्रोग्राम के लिए, और फर्स्ट टू बैचेस के कैंडिडेट्स हमको उन्होंने ही भेजे और हमारे साथ बहुत अच्छे से वो कोलैबोरेट करते हैं, और वो इसी से पता चलता है उनका सॉलिडैरिटी टुवर्ड्स दिस कॉज कि इसके इनॉग्रेशन में, वैलिडिक्ट्री में, दोनों प्रोग्राम्स में वो लोग बाकायदा प्रेजेंट रहे और उन्होंने अपना समय दिया इसमें, और बच्चों को बस में जो टाइम से भेजते हैं वो लोग और उनको मोटिवेट करते हैं, वो बहुत ही एक अच्छी और सराहनीय बात है, जिससे कि उन इन बच्चों को देख के अब आगे हमारे पास और भी लोग आने लगे हैं, दिल्ली गवर्नमेंट से हमारे पास आ रहे हैं। अभी जो हम नया बैच लेने वाले हैं, थर्ड बैच, वो बैच है ह्यूमन सॉलिडैरिटी फाउंडेशन से आ रहा है, जिसको चलाती हैं डॉक्टर अक्सा, एंड वो एक ट्रांसजेंडर हैं और MBBS MD डॉक्टर हैं हमारे यहाँ पर, तो वो ये फाउंडेशन जो चलाती हैं उन्होंने ये रिक्वेस्ट भेजा हामिद साहब को, और हामिद साहब ने हमको डायरेक्ट किया कि आप इनका प्लान करके ट्रेनिंग कराइए। सो थर्ड बैच जो होगा हमारा वो सॉलिडैरिटी फाउंडेशन वालों का होगा, और हम लोग यहीं जामिया हमदर्द में करेंगे, और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ट्रेनिंग साइट पे जाके वो भी कवर करें, और स्किल्स लैब है हमारे यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उनकी तरफ से बनाया गया था, हमारे साथ मिलके उन्होंने बनाया था, जिसका नोडल हेड मैं हूँ, और ये स्किल्स लैब का भी पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है इसमें, और मजीदिया अस्पताल है जहाँ पे उनको क्लिनिकल ट्रेनिंग के लिए, वो हमारा क्लिनिकल साइट है, वहाँ के जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट और जो डीन हैं उस स्कूल के वो भी बहुत कोऑपरेटिव हैं, उन्होंने भी हमको हमेशा कोऑपरेशन एक्सटेंड किया है। और जो ये प्लेसमेंट का एक और लास्ट पॉइंट मैं छेड़ना चाहूँगी कि हामिद साहब का जो मकसद है इस ट्रेनिंग में, सिर्फ ट्रेनिंग करा देना नहीं है, जो BEB है, बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो, वो अपना नाम सार्थक करता है इसमें ये काम करके, उन्होंने प्लेसमेंट ऑफिसर को सेलेक्ट कर रहे हैं, और वो प्लेसमेंट ऑफिसर मदद करेंगे इन बच्चों को जॉब दिलवाने में, और असिस्ट करेंगे वो लोग उनको, और इस तरह वो बच्चे एक अपने जो उनका डेस्टिनेशन है उस तक पहुंच पाएंगे, आगे ये बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं और अपना नाम अपने आप बना सकते हैं आगे जैसा सीखेंगे। और कुछ बच्चों ने तो लास्ट बैच में मैं बताऊंगी इवैल्यूएशन होता है इनका, उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया, हमने सोचा हम एक टॉपर को फीडबैक के लिए रखेंगे, पर वहाँ 5-5 बच्चों को हमको ये सब फीडबैक के लिए रखना पड़ा, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा ट्रेनिंग में स्कोर किया, हमने लिखा था कि 70% तो मिनिमम आने चाहिए तभी हम सर्टिफिकेट देंगे, पर वो तो इतने सारे बच्चे हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म करें, और जो सेकंड बैच थर्ड बैच आ रहा है, हमने जो फीडबैक लिया और जो बाहर के लोगों से रिव्यूज़ मिल रहे हैं उससे ये पता चल रहा है कि ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही है, और इसका श्रेय मैं देती हूँ मेरे ट्रेनर्स को जो कि स्किल्स लैब के ट्रेनर हैं और रुफैदा कॉलेज ऑफ नर्सिंग के ट्रेनर्स हैं, पैरामेडिकल डिपार्टमेंट के ट्रेनर्स हैं जो जामिया हमदर्द के हैं। सो ये सब लोग बच्चे लोग मिलके मेरे बहुत अच्छी एक टीम है जो जो मेरे साथ खड़ी रहती है हर वक्त, और हमारे डायरेक्शन पे, हमारे एडवाइस पे वो उस हिसाब से उनको ट्रेनिंग देते हैं। आप जब नीचे जाएंगे ना तब ट्रेनिंग साइट पे तो आपको ये महसूस हो जाएगा जो मैंने अभी बोला है। इसमें एक सवाल मेरा ये है मैडम कि जिस तरीके से आपने बताया कि हमने 10th का जो है एलिजिबिलिटी रखी थी, उसके बाद में ग्रेजुएट जो बच्चे हैं वो भी आ रहे हैं पार्टिसिपेट। जी जी जी। जो प्लेसमेंट का ऑप्शन रखा हुआ है इसमें BEB के जरिए, हाँ। तो क्या जो 10th वाले बच्चे हैं और जो ग्रेजुएट वाले बच्चे हैं, क्या इस चीज़ को भी कंपेयर करा जाएगा या बच्चे की काबिलियत देखी जाएगी अगर ऐसा ऑप्शन आता है तो? इसमें मैं अपना पर्सनल व्यू बोलूँगी क्योंकि हाँ। अभी पॉलिसी मैटर तो हमने कुछ इस पर गौर नहीं किया। आपकी बात बहुत ठीक है, सोचने वाली बात है ये, पर मैं इस वक्त पे अपना पर्सनल व्यू बोल सकती हूँ, और मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि काबिलियत पे होना चाहिए ये। जो हम एक ट्रेनिंग दे रहे हैं वो बच्चा कितना सीखा, मुझे उसकी जो जो पढ़ाई और वो
अगर कोई ग्रेजुएट भी बहुत अच्छा कर रहा है उसको उतनी अहमियत मिलनी चाहिए। इसमें वो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए कि वो ग्रेजुएट है, टेंथ है, जो पीस ऑफ वर्क हम सिखा रहे हैं उसमें कितना स्किल, कितनी महारत उसने हासिल की उसके हिसाब से होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो जिस तरीके से फर्स्ट बैच से इस कोर्स की शुरुआत की गई है जी, तो आगे जितने भी कोर्सेज होंगे, जितना भी ये बैचेस चलेंगे, तो सेम क्राइटेरिया रहेगा सबका? हाँ, क्राइटेरिया तो टेंथ ही रख रहे हैं उसमें, वो क्राइटेरिया सेम रहेगा। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, BEB ने बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अभी हमारे साथ प्लान किए हैं जिनको अभी हम नियर फ्यूचर में इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसमें जैसे इन्फेक्शन प्रिवेंशन हो गया, एडवांस्ड ट्रॉमा ट्रेनिंग हो गया, BLS हो गया, ACLS हो गया, क्वालिटी एश्योरेंस इन हॉस्पिटल, ड्रग सेफ्टी, पेशेंट सेफ्टी, और इसके अलावा अदर प्रोग्राम्स जो हेल्थ के नहीं हैं, जैसे कि उससे हट के हैं। फॉर एग्जांपल 8वीं पास है बच्चा पर वो भी वो प्रोग्राम ट्रेनिंग कर पाए, ज़रूरी नहीं है हेल्थ में ही जाना है। तो अभी हम प्लान कर रहे हैं कि कुछ जैसे ब्यूटी से रिलेटेड ब्यूटीशियन वाला होता है, हेयर कटिंग होता है, ऐसे टेलरिंग जैसे करते ही हैं ऑलरेडी, तो ऐसे भी प्रोग्राम शुरू किए जाएं, जिसके लिए मैं चाहती हूँ कि हमें शहनाज हुसैन जी मदद करें और मैं उनके पास जल्द ही जाके उनसे खुद ही दरख्वास्त करूँगी कि वो इसमें हमारी मदद करें और ये भी ट्रेनिंग दें, ताकि जो हाउसवाइफ्स भी हैं इवन वो भी फ़ायदा उठा सकें और अपने लिए कुछ अर्निंग का सोर्स ढूँढ सकें। तो ये माना जाए कि जिस तरीके से किसी वजह से बच्चों की पढ़ाइयाँ छूट जाती हैं, नहीं पढ़ पाते कुछ बच्चे, तो उनको भी ये ऑप्शन दिया जा रहा है हमदर्द की तरफ से? हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि ये मैं आपको बताऊँगी, हम लोग लीगेसी कंटिन्यू कर रहे हैं और स्पेशली हमारे जो चांसलर साहब हैं वो जो हकीम साहब थे उनका पहले से ही ये विजन और उनकी हमेशा ये फिलॉसफी रही कि हर किसी को वो ये चाहते थे कि माशे ज़रिया मिले, चाहे वो पढ़ाई कम करी हो ज़्यादा करी हो, वो ये देना चाहते थे, जो बहुत ही एक नेक काम था और आई थिंक वही कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे चांसलर साहब, इसलिए मुझे लगता है कि ये ट्रेनिंग्स बहुत अच्छी रहेंगी उस पॉइंट ऑफ व्यू से। आखिरी सवाल आपसे यही है कि जिस तरीके से अगर मैं माइनॉरिटी मुस्लिम की बात जी, अभी भी इसमें जो है, क्योंकि हकीम साहब का भी ख्वाब था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक माशरे को जो है तालीम याफ्ता करें, उसको पढ़ाएं लिखाएं, लड़कियां भी उसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें, लेकिन इस वक्त भी जो है जो ये प्रोग्राम चल रहा है इसमें भी लड़कियों की जो है तादाद कम है, उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे आप, उनके पेरेंट्स को, कि वो किस तरीके से आगे अपनी बेटियों को आगे बढ़ाएं नर्सिंग के लिए या और जो प्रोग्राम चल रहा है उनके लिए? देखिए, हाँ, आपने जो सवाल किया वो मेरे दिल के बहुत करीब है कि मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम गर्ल्स आएँ इसमें, क्योंकि इसी उद्देश्य के साथ जो यहाँ नर्सिंग कॉलेज है जिसमें मैं 30 बरस से काम कर रही हूँ, वही ऑब्जेक्टिव था हकीम साहब का, और धीरे धीरे करके हमने इसमें नर्सिंग कॉलेज में अभी आज की डेट में आप देखेंगे तो 50% गर्ल्स होती हैं, गर्ल्स मतलब मुस्लिम गर्ल्स, और इसी तरह मेरी उम्मीद है, मुझे बहुत पूरी उम्मीद है कि इस प्रोग्राम में भी स्लोली स्लोली गर्ल्स का नंबर भी बढ़ेगा और मुस्लिम गर्ल्स भी आगे आएंगी, क्योंकि मैं ये बोलना चाहती हूँ कि किसी भी लड़की को एक तो अपने पैरों पे खड़े होने का ज़रिया ज़रूर पता होना चाहिए, और उस सोसाइटी में जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ पे जहाँ ये कम है कि उनको काम करने नहीं दिया जाता या पढ़ाई कम है, उन लोग को भी पूरा पूरा अधिकार होना चाहिए और अब ओपन माइंड होके आना चाहिए, आगे आना चाहिए इसमें। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी और ये कहना चाहूँगी कि वो एक तरह से समाज सेवा में वो भी सम्मिलित हो रहे हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए, उनका भी इसी इस प्रोग्राम को प्रसारित करके वो ना केवल अपना एक मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हैं बल्कि वो भी एक ज़रिया बन रहे हैं सोशल वर्क में सम्मिलित होने का, और जितना श्रेय हमको जाता है मुझे लगता है इसको जन जन तक पहुंचाने का श्रेय तो आपके चैनल को ही जाता है, एक शाम टीवी। और कुछ कहना चाहेंगे?
आपको बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी और चाहूँगी कि आगे भी आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें और टाइम टू टाइम हम लोगों के पास आते रहें और हम और प्रोग्राम्स भी करेंगे, उनको भी कवर करें। थैंक यू सो मच। मेरा नाम इकरा कुरैशी है और मैं ऑलरेडी हमदर्द नेशनल फाउंडेशन के साथ काम कर रही हूँ पिछले 14 साल से। जिस तरह से ये वार्ड बॉय ट्रेनिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है और इसका मेन जो मकसद है वो ये रहा कि कोविड के दौरान जिस तरह की रिक्वायरमेंट ज़रूरत आई है मेडिकल लाइन में हर तरह के लोगों की, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो लैब टेक्नीशियंस हों, चाहे वो वार्ड बॉयज़ अटेंडेंट्स हों, तो इस तरह का हमने इनिशिएटिव लिया है। और जो टेक्निकल ट्रेनिंग है वो तो इन लोगों की चली रही है, लेकिन मेरे पार्ट पे इनका सॉफ्ट स्किल और पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, क्योंकि कोई भी प्रोफेशन हो दुनिया का, कोई भी ट्रेनिंग हो, कोई भी स्टैंडर्ड हो स्टूडेंट का, बैकग्राउंड हो, उसमें सॉफ्ट स्किल और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बिना तो काम चलेगा नहीं। सो ये हमारा एक एफर्ट है। और जैसे कि आपने पूछा कि आगे इन लोगों को क्या फ़ायदा होगा, आगे इन लोगों को फ़ायदा नहीं होगा, इन लोगों से हमें फ़ायदा होगा, दुनिया को फ़ायदा होगा, क्योंकि कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ है। हो सकता है कुछ और तरह से ये किसी और शक्ल में आए, वेव्स की तरह आए, तो ये लोगों की तो नीड ही नीड होगी, चाहे वो पर्सनल लेवल पर हो, हॉस्पिटल्स में हो, क्लिनिक्स में हो। तो होपफुली हम इनमें ये जज्बा डाल सकें कि ये तैयार रहें और आने वाले वक्त में अपना जो भी सर्विसेज है वो दुनिया को, सोसाइटी को दे सके, इसकी हम तैयारी करवा रहे हैं। अभी हमारा फर्स्ट बैच कंप्लीट हुआ है तो उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, हमें स्टूडेंट से फीडबैक बहुत अच्छा मिला। और अब इस वक्त इस दौरान जब सेकंड बैच शुरू हो चुका है और फर्स्ट बैच निकल चुका है, तो उनकी नौकरियों के लिए, उनकी प्लेसमेंट के लिए हम लोग काम कर रहे हैं विद दिल्ली पुलिस। तो होपफुली अच्छा ही रिस्पांस आएगा, क्योंकि इन लोगों को कोई नहीं छोड़ेगा, मतलब ले लेगा इनको जॉब पे, कोई ना कोई लेता रहेगा, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, प्राइवेट फर्म्स, कोई भी इनको अपने पास नौकरी देने के लिए झिझकेगा नहीं, बिकॉज दे आर इम्पॉर्टेंट पार्ट नाउ। मेरा नाम रागनी है और यहाँ पे हम वार्ड नर्सिंग के लिए आए हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और हमारे जो सोसाइटी में जो लोग हैं जो कोविड के दौरान जो फाइट कर रहे हैं, उनके लिए भी हम हेल्प कर सकते हैं। तो जो हमारी तीसरी लहर अगर आ सकती है, वैसे तो आनी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा हमारे इंडिया को और अदर कंट्री को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। अगर आई तो उसके लिए हम ऑलरेडी फाइट करने के लिए रेडी हो रहे हैं, जिससे कि हमें हेल्प हो और हमारे जो साथ सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। और हम यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, हमें कैसे कोविड में हमें सेफ करना है, सेफ्टी को ध्यान रखना है, सैनिटाइज़र यूज़ करना है, मास्क को वियर करना है। तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी सिखाया जाता है, अपनी पर्सनैलिटी को हम कैसे ग्रो करें, तरह तरह की चीज़ें सीख रहे हैं जिससे हमें पेशेंट को देखभाल कर सकें, जैसे बेड पान हो गया, बेड बाथ हो गया, या फिर ऑक्सीजन कैसे लगाना है, तरीके की नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही है, जैसे सिक्रेशन हो गया मरीज के, जिससे मरीजों को ज़्यादा हेल्प मिलेगा और स्वस्थ रहेंगे। हम कैसा लग रहा है यहाँ सीख के? अच्छा लग रहा है, वेस्ट नहीं जाएगा कुछ भी, और कहीं आगे चल के हमारी अगर प्लेसमेंट होती है तो हम पेशेंट के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ पे हमें क्लास अच्छी सिखा रहे हैं, हम लोगों को टीचर्स बहुत ज़्यादा फ्रेंक हैं, अच्छे से सिखाते हैं, और यहाँ पे लड़कियाँ कम हैं, हम टोटल 10 लड़कियाँ हैं, बाकी सारे लड़के हैं। और मैं कहना चाहूँगी कि हर किसी को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, जो आगे जाके हम लोग अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें कि लड़कियाँ भी लड़कों से कम नहीं है। क्योंकि जिसमें कि हमें ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह से किट और कॉन्सेंट्रेटर, जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को लगाने के लिए सिखाया जा रहा है, और ये सब कैसन मशीन वगैरह जिससे वो करना है, जिसमें वैक्सीनेट है, और इसके अलावा जो सैनिटाइजिंग वगैरह हो गया, और मास्क लगाना, प्रिपेयर करना, कैसे रहना है, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करना है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम कोर्स को पूरा करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। सर, मैं शर्मिला हूँ और मैं चाहती हूँ कि लड़कियाँ हमदर्द कॉलेज में ये सिखाया जा रहा है जो प्रोजेक्ट, इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, क्योंकि आगे लड़कियों को भी नाम मिले, क्योंकि लड़कियां हमेशा कहते हैं हम करेंगे, मगर लड़कियां भी, औरतें भी कर सकती हैं। ऐसे नहीं है कि घर वाले औरतों को घर में रख दें, बहुत से ऐसे भी होते हैं हेल्प दे देते हैं कि चलो आप मैरिड हो तो इसका मतलब आप जा नहीं सकते। मेरे घर वालों ने भी मेरे साथ दे रहे हैं कि आप
हॉस्पिटल में भी काम कर सकते हो, किसी की हेल्प कर सकते हो। अगर आपको जॉब नहीं मिली तो आप हेल्प तो कर ही सकते हो मोहल्ले पड़ोस में। सर, जिस तरीके से जामिया हमदर्द ने ये ट्रेनिंग का प्रोग्राम शुरू किया, कितना अच्छा है और कितनी ज़रूरत है इसको लगातार चलाने की? सर, ये बहुत अच्छा है। इसको जैसे तीसरी लहर आने वाली है, इसमें सभी को ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि सिचुएशन पहले ऐसे रह चुकी है कोविड में, तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जितने को सिखाया जाएगा ये हमदर्द कॉलेज का प्रोजेक्ट, तो जितने भी सीखेंगे उनके लिए अच्छा है कि वो बढ़ चल के साथ दे दें, हेल्प कर दें। और ज़रूरी नहीं है कि मतलब सीख कर हमें घर में बैठना है, कुछ नहीं हो तो अगर गली मोहल्ले में भी किसी को कोविड हो जाता है हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। पहले तो मैं आप सभी लोगों का, स्पेशली एक शाम टीवी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारा इससे पहले फर्स्ट जो प्रोग्राम हुआ उसको भी आके पूरा कवर किया, और आज भी हमारे पूरे क्लास में जा कर के इन्होंने कवर किया। आने वाले जो बैचेस हैं उसमें भी ये आएंगे, और इतनी बारिश में और इतना जब वाटर लॉगिंग थी ये आए इस प्रोग्राम को कवर करने के लिए, इनको और इनकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। रही इस ट्रेनिंग की बात, ये बड़ी यूनिक ट्रेनिंग है, और ये शुरुआत तो दिल्ली पुलिस से हमने की थी, और उन्होंने बच्चे युवा मंच उनका एक है, तो वहाँ से उन्होंने बच्चे रेकमेंड किए और हमने फ्री ऑफ कॉस्ट ये ट्रेनिंग बच्चों को दी, और उसके लिए हम प्लेसमेंट में भी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है, मैं ये एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जो वुमेंस हैं, जो लड़कियाँ हैं, और जो ये इस ट्रेनिंग को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, और चूँकि ये ट्रेनिंग बहुत उन लोगों के काम आएगी, और कोई इसमें ज़्यादा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि आप 8वां पास 10वां पास इसकी क्वालिफिकेशन है, तो ये ट्रेनिंग जो बच्चियां हैं जो 10वां कर रही हैं या 10वां पास हैं या 10वां फेल हैं, और ये हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग है, वो किसी एनजीओ से अपना नाम रिकमेंड करा के और हमारे पास भेजें, हम उनको बुलाएंगे और उनको कंप्लीट एक महीने की ट्रेनिंग हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम के लिए आप अवेयरनेस लाएं। तो हमें तो वुमेन एम्पावरमेंट का एक बाकायदा प्रोग्राम है कि हम स्किड लैब जो हमारे जामिया हमदर्द में है उसे हम ओवरव्यू करके, हम चाह रहे हैं कि बच्चियाँ या और भी लोग मार्जिनलाइज सेक्शंस के जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इन ट्रेनिंग्स में पार्टिसिपेट करें, और आगे उनका हम लोग कोशिश करेंगे कि आगे ये लोग बढ़ें और इनका प्लेसमेंट हो और एक खुशगवार ज़िंदगी।